हमारे साथ गोल्डी लॉक्स रिसर्च के गौतम शाह जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गौतम। गौतम, आपने कुछ महीनों पहले ही इसका इंडिकेशन दिया था और अब ये एकदम पैन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। जो आपको फॉलो करते हैं लोग वो तो मालामाल हो गए होंगे, जो हमारे चैनल पे इटिनो स्वदेश के व्यूअर्स, अभी यहां से थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूल करना चाहिए या ट्रेल करना चाहिए? गुड मॉर्निंग। आई थिंक थोड़ा सा मुनाफा लेना चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ओवरडन है, एक्सटेंडेड है। और देखिए, बाजार चला पिछले दो महीनों में क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स थे जून या जुलाई के महीने में वो सारे डिस्काउंटेड हो गए थे, और अब 18,000 के इंडेक्स में सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो मेरे हिसाब से डिस्काउंट हो चुके हैं। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि पिछले 9 महीनों में मार्केट ने 2-3 बार 18,000 के लेवल पे के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, वो बट बार बार वहां पर सेलिंग प्रेशर आई। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अप्रैल के महीने में हम 18,100 से घूमे थे और अर्ली दिस ईयर हम 18,350 से घूमे थे, और इसलिए पिछले एक हफ्ते में हम जैसे ही 18,000 के ऊपर जा रहे हैं थोड़ी बहुत सेलिंग आती है। आई थिंक ये वीकर हैंड से है, मगर आई थिंक ऐसा लग रहा है कि एक बार वापस मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। सो इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी यहाँ से है नहीं, 18,000 और 18,600 में 3 से 4 बड़े बड़े रेसिस्टेंस है, तो इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और बैंक निफ्टी में जैसे आपने कहा 41,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि वहां से गिरावट चालू हुई थी और एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है पिछले 2-3 महीनों में, और क्या गजब का आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया है और किसी का पोजिशनल मेंटालिटी है तो 41,500 से 800 में थोड़ी बहुत डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यहाँ से पुल बैक आएगा। बट आई थिंक द की टेक अवे आज के इंटरेक्शन में जो अभी तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स में यहाँ से इतना कोई स्पेशल होने वाला नहीं है। स्टॉक्स में रहिए, थीम्स में रहिए, सेक्टर्स में रहिए, वहां पैसा बनेगा। आपने बहुत अच्छी कही कि इंडेक्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें, एक बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप पार्टिसिपेट कर पाए, आप लकी थे तो अच्छी बात है, वरना एक्शन ढूंढिए ब्रॉडर मार्केट में, साइड मार्केट में। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स पे कोई व्यू इससे पहले कि हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज में बात करें? अजय जी, अगर आप देखिए पिछले 2 महीनों में मिड कैप इंडेक्स हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो उतना अच्छा किया नहीं है, इट्स ओनली इन द लास्ट 1 वीक की स्मॉल कैप इंडेक्स भी वापस आया, और मुझे लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ओवरबॉट है और स्मॉल कैप इंडेक्स इज पॉइज्ड फॉर मच ग्रेटर अपसाइड। तो यहाँ पर आई थिंक फोकस क्वालिटी स्मॉल कैप में रखनी चाहिए। हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स का टारगेट 11,000 का है, जो अभी भी यहाँ से 9-10% की तेजी दिखाता है, तो अगर वो होता है तो जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स है वो 15-30% यहाँ से भी चल सकते हैं। और पिछले एक डेढ़ हफ्तों में हमने देखा कि कई स्टॉक्स जो पिछले 6 महीनों में अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो अब धीरे धीरे ब्रेकआउट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो स्मॉल कैप्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और लार्ज कैप्स में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ध्यान दीजिए, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वहां अगर आई थिंक अगर आप कमिटमेंट रखेंगे तो आप आउट परफॉर्म करेंगे। गौतम, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि इंडेक्स को छोड़िए, पहले सिर्फ सेक्टर्स को देखिए, सेक्टर के बाद थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाइए शेयर्स की तरफ, तो मैं जरा सेक्टोरियल चर्निंग के हिसाब से आपसे पता करना चाहता हूँ। एक सेक्टर जिसकी परफॉर्मेंस को लेकर अभी भी काफ़ी लोगों को डाउट है, जरा पहले वो डाउट ही आप क्लियर कीजिएगा, वो है आईटी को लेकर। आईटी में आपका पोजिशन क्या है, आपका स्टांस क्या है इस समय? देखिए, आईटी एक अंडर परफॉर्मेंस फेज में चला गया है। अगर आप उसको एक रेशियो चार्ट्स पे देखें, व्हिच इज आईटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी, तो आपको ये दिखेगा कि एक काफी बड़ी सी ब्रेकडाउन हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटी 2021 में जिस तरह से चला था वैसे चलेगा, बट एट द सेम टाइम इस लेवल्स पे ज्यादा डाउनसाइड पोटेंशियल है नहीं, क्योंकि जो सारे जो स्टॉक्स है वो 30-50% ऑलरेडी ऊपर के लेवल से गिर चुके हैं, सारे जो नेगेटिव्स है वो मोर लेस डिस्काउंटेड है, और वैल्यूएशंस जो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो गए थे अक्टूबर 21 में वो अब ठीक ठाक है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आईटी घूमेगा, बट वहां पर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगी। तो अगर आप इन्वेस्टर है और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कोई ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो मिड कैप आईटी देखिए, वहां पर स्टॉक्स लाइक हैप्पीएस्ट माइंड्स, केपिट टेक, बिरला सॉफ्ट, एलटीआई, एलटीटीएस, आई थिंक ये काफी अच्छे सेटअप्स है। हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में बड़ी रिटर्न नहीं मिले, बट अगर आपका 6-12 महीना का व्यू है तो आईटी अच्छा करेगा, और अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो बाकी जैसे मैंने 4-5 सेक्टर बताए उसमें जाइए। ऑफकोर्स दैट्स राइट, लेकिन साथ ही कमिंग ऑन टू द सेक्टर्स जो कि आपके रेडार पर है, शुरुआत तो टेक्सटाइल से करना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त धीमी चाल, ज़्यादा बातचीत टेक्सटाइल पर नहीं होती है, लेकिन टेक्सटाइल की अगर बात करें, ऑफकोर्स अर्निंग्स इम्पैक्ट अच्छा नज़र आया है, सरकार का लगातार फोकस है, एक्सपोर्ट से जुड़ी कई सारी खबरें आ रही हैं। टेक्सटाइल प्ले को आप पॉजिटिव क्यों समझते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं, साथ ही इसके पीछे के रैशनल क्या हैं?
देखिए एक चीज बहुत क्लियर है कि जो 2020 और 21 के जो बड़े विनर्स हैं वो पिछले 3 महीने में चले ही नहीं है, चाहे वो आप टेक्सटाइल को ले लीजिए चाहे शुगर को ले लीजिए, वो मार्केट के साथ चले नहीं है। तो आई थिंक मार्केट में लीडरशिप चेंज हो चुकी है। टेक्सटाइल्स में जो हम बड़ी स्टोरी बात करते थे वो स्टोरी इंटैक्ट है, बट ये सारे जो स्टॉक्स जो 2x 3x 5x हो गए थे पिछले 18 महीनों में वो एक लंबी सी कंसोलिडेशन में चले गए हैं। तो यहाँ पर फाइट करके फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस नहीं है और मुझे यहाँ से भी कोई बड़ी तेजी लगती नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑटो एंसिलरी को देखें, इतनी बड़ी अच्छी तेजी हम देख रहे हैं और यहाँ से जारी रहेगी। सीमेंट, आई थिंक सीमेंट मेरे हिसाब से पिछले 1 महीने का थीम है और मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीनों में सीमेंट वो कर सकता है जो टेक्सटाइल, शुगर और जो आईटी स्टॉक्स ने पिछले साल किया था। तो उसमें फोकस रखिए। इसमें हम लोग ने गोल्डीलॉक्स में 2-3 स्टॉक्स को भी रिसेंटली रेकमेंड किया, लार्ज कैप्स और मिड कैप्स। तो ये जो सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले साल आउट परफॉर्म नहीं किया उसमें अगर आप फोकस रखेंगे तो बेटर रहेगा। राइट, मैं आपसे मिड कैप ये छोटे बैंक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। वो जो यूनिवर्स है मिड कैप प्राइवेट दोनों मिला के और पूरी रेंज की बात करें, अगर IDFC फर्स्ट फॉर येस बैंक भी एक तरह से ट्रेडर फेवरेट है, लेकिन PSU, CUB, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये जो यूनिवर्स है मिक्स्ड PSU और प्राइवेट का, इसमें आपको चार्ट्स कहाँ समझ में आते हैं क्योंकि इसमें फंड एक्शन भी हो रहा है, ट्रेडर HNI एक्शन भी बहुत एक्टिव है। अजी जी, इसमें दो बात है। एक तो क्या है, PSE इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि PSE इंडेक्स में यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि 20% की तेजी है। NSE PSE इंडेक्स अभी 4300 के लेवल पे है, वो धीरे धीरे 4500 तक जाना चाहिए जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है, और ऐसे जैसे ही 4500 निकलेगा तो 5200 का सीन बन जाएगा। तो अगर आपको PSU थीम प्ले करना है तो आपको जो टॉप स्टॉक्स है कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, BEL, HAL, ये सब स्टॉक्स में बने रहना है। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली अगर बैंकिंग में जाना है और छोटे बैंक्स में जाना है, आई थिंक 18,000 के इंडेक्स पे रिस्क काफी है छोटे बैंक्स में जिसकी फंडामेंटल्स उतनी अच्छी नहीं है उसमें काम करके। तो हमारा मानना है कि इस लेवल्स पे आप टॉप स्टॉक्स में रहे तो बेटर है। अगर आपको PSU बैंकिंग एज अ स्टोरी प्ले करना है तो आप SBI में रहे, BOB में रहे, कैनरा बैंक में रहे। उसके नीचे अगर आप जाते हैं तो यू कैन गेट लकी, हो सकता है कि ये स्टॉक्स चल जाए, बट मैं इस लेवल्स पे स्टेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दूंगा देन रिटर्न्स। ठीक है गौतम, एक ऐसा शेयर जो आपको लग रहा है कि मिड कैप कैटेगरी का, स्मॉल कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा है, आपके चार्ट्स पे काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है, एक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर चाहिए? देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी बुलिश है। NSE इंफ्रा इंडेक्स अगर आप देखें तो इसमें मुझे लगती है कि बड़ी तेजी यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से भी 20-30% का अपसाइड है। दो स्टॉक्स हमने अभी रिसेंटली अपने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किए और अभी भी इवन दो ये थोड़ा बहुत चले, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अगर आप 1 साल का व्यू लेते हैं तो बहुत बड़ी तेजी है। एक तो है PNC इंफ्रा, तो PNC इंफ्रा के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और चार्ट्स काफी अच्छी सी डेवलप हुई है, 5-6 महीने के कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यहाँ से 30-40% की तेजी मिलेगी। सेकेंडली PSP प्रोजेक्ट्स, आई थिंक इसकी हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं रही है बट अभी जिसके जितना सुनते हैं इसके बारे में मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी इसमें बड़ी तेजी आ सकती है। तो ये दोनों स्टॉक में इंफ्रा स्पेस में इन्वेस्टर्स कैन फोकस ऑन। Okay, गौतम, इंफ्रा, सीमेंट और टेक्सटाइल पर आप अपने पॉजिटिव आउटलुक से हमें बता रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर भी है जिस पर आपकी नज़र है। रियल एस्टेट लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज, इन्फ्लेशन कंसर्न्स, होम बाइंग का इंटरेस्ट जो है वो लगातार बढ़ा है, कलेक्शंस की एफिशिएंसी भी लगातार बढ़ती दिखी है, बताएं कौन से प्लेज हैं जिस पर आपकी नज़र है? देखिए पिछले 1 साल में मैं जब भी आपके चैनल पर आया मैंने हमेशा कहा कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी थीम है और ये रुकेगा नहीं। इतनी बड़ी करेक्शन आई मार्केट में, 9 महीने मार्केट गिरा 18,000 से 15,200, इसमें भी रियल एस्टेट स्टॉक्स गिरे बट द स्पीड एट विच दे हैव कम बैक इज क्वाइट कमेंडेबल। तो ये पिछले 10 साल का सिनारियो है नहीं कि रियल एस्टेट 3-4 महीने चला, 6 महीने चला फिर गिर जाता है। आई थिंक अब ये एक स्ट्रक्चरल स्टोरी हो गया है और हमारा NSE रियल एस्टेट इंडेक्स पे टारगेट 530 है, तो यहाँ से 15-20% की तेजी अभी भी दिखती है। और अगर आप टॉप स्टॉक्स को देखें, DLF और ओबेरॉय रियलिटी, आई थिंक यहाँ से भी वो काफी अच्छा करेंगे। तो हर इन्वेस्टर को अगर आपको रियल एस्टेट स्टोरी प्ले करने हैं तो ये दो स्टॉक्स को रखिए। और अगर आप बैंगलोर बेस्ड रियलिटी के बारे में बात करें तो ब्रिगेड और प्रेस्टीज हमें काफी अच्छे लगते हैं, ज्यादा चले नहीं है, ब्रिगेड थोड़ा चल गया बट ये दोनों स्टॉक्स में अभी भी मीडियम टर्म काफी अच्छी पोटेंशियल है। एक आखिरी सवाल गौतम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये ओपनिंग अप, रीओपनिंग स्लैश
कंजम्पशन थीम को लेके। हमारे साथ अभी कविंदर सिंह साहब भी जुड़ रहे हैं, देखिए आपके साथ तो स्क्रीन में आ भी गए हैं, महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स के एमडी एंड सीईओ। क्योंकि हमने देखा होटल स्टॉक्स, आपका एयरलाइन स्टॉक्स, एक तरह से ऑटो भी रीओपनिंग थीम ही है, लेकिन रेस्टोरेंट्स, ये पूरा जो रीओपनिंग स्लैश रिवेंज कंज्यूमिंग वाला थीम है, इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्शन बहुत हुआ है। आपके चार्ट पर दो चार नाम देते जाइए जाते जाते। देखिए ये रिवेंज तो अभी चलेगा क्योंकि 2020-21 में जिस तरह की मूव थी, आई थिंक कोविड जो था एक ब्लैक स्वान इवेंट था, और जब हम एक ब्लैक स्वान इवेंट से निकलते हैं तो उसका जो एक इम्पैक्ट रहता है वो कई सालों तक रहता है। तो होटल्स तो हमारे फेवरेट है ही है, चाहे आप इंडियन होटल्स ले लीजिए, लेमन ट्री ले लीजिए। इंडियन होटल्स तो हमारा लास्ट ईयर का दिवाली पिक भी था और लगता है कि यहाँ से भी 30-50% के रिटर्न दे देगा। महिंद्रा हॉलीडेज हमें काफी अच्छा लगता है, इनफैक्ट हम लोग ने दो बार रेकमेंड भी किया था, और लग रहा है कि ये स्टॉक जो इतने सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है अब एक ऐसी तेजी आएगी जो मार्केट को थोड़ा सा सरप्राइज कर देगा। सो ये तीन स्टॉक्स तो आई थिंक काफी अच्छे लगते हैं। और क्यूएसआर स्पेस, देवयानी इंटरनेशनल, सफायर फूड्स, आई थिंक ये भी एक अच्छी थीम है जो यहाँ से चलनी चाहिए। तो अनलॉक जो एक थीम है अगले 6-12 महीने चलेगा, हर डिप्स में लीजिए, इस लेवल्स में बड़ी कमिटमेंट मत कीजिए क्योंकि काफी चल चुका है, बट डिप्स पे डेफिनेटली ध्यान दीजिए। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमसे बात करने के लिए। आप जब भी आते हैं ना तो लगता है समय कम है, 6000 स्टॉक है उसमें से आपसे कम से कम हम लोग 60 स्टॉक तो डिस्कस कर ले, बट अक्सर आपके साथ एक मैराथन सेशन करना पड़ेगा ट्विटर स्पेसिस पे। बहुत शुक्रिया लेकिन आने के लिए। गौतम शाह हमारे से बात कर रहे थे गोल्डीलॉक्स के, और ये रीओपनिंग थीम में होटल्स उनका स्पेस उन्हें पसंद आता है। लेकिन आज